रोहतक पुलिस व बदमाशों के बीच सोमवार सुबह मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को पैर पर गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों ने हाल ही में एक नई कार लूट ली थी। इसके अलावा सभी बदमाश कई आपराधिक वारदात में शामिल हैं। 28 मई को रोहतक की कच्चा चमारिया रोड पर ट्रक से नई कार उतारते समय लूट ली गई थी। पुलिस की अपराध जांच शाखा को इसी मामले में बदमाशों की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस टीम सोमवार सुबह गोहाना आउटर बाईपास पर मौजूद थी। इसी दौरान दो बाइक पर चार युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो एक युवक ने फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें एक युवक के पैर पर गोली लगी। पकड़े गए युवक की पहचान भगवतीपुर निवासी सोमवीर के रूप में हुई। पुलिस ने बाकी तीन युवकों को भी काबू कर लिया। इन युवकों की पहचान कृष्ण, प्रमोद व मोहित के रूप में हुई। ये सभी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। K9 मीडिया के लिए रोहतक से विकास ओहल्यान। एक जो पहले हमने जो गैंग के बारे में आपको ब्रीफ किया, उसमें जो मेन इनका मकसद था ये घटना को अंजाम देने का, जो इन्होंने वेन्यू गाड़ी की लूटपाट की थी, मेनली इसमें से जो एक मुलजिम है कृष्ण, वो पहले एक छेड़छाड़ के मुकदमे के अंदर संलिप्त था। तो उसी केस के जो की जो मुद्दई थी, उसके हस्बैंड को ये एलिमिनेट करना चाहते थे, उसको मारने मर्डर करने का प्लान था। उसी मर्डर को अंजाम देने के लिए बेसिकली इन्होंने ये गाड़ी लूटी थी, और अगर ये ना पकड़े जाते तो मे बी ये एक आधे दिन के अंदर उसका मर्डर करते। ठीक है सर, एक आईटीए के पास से लूट हुई थी सर जी, उसका इस गिरोह से कोई संबंध नहीं? अभी जैसे मैंने बताया कि अब क्योंकि एक बंदे के गोली लग रखी है, वो अभी इलाज अधीन है, बाकियों से भी पूछताछ चल रही है, तो हमें उम्मीद है कि इनके अंदर। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।